स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर इस बार लाल किले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इस वक्त हम लाल किले के सामने ही मौजूद हैं, लेकिन लाल किला आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि करीब एक दर्जन से ज्यादा कंटेनर सामने लगाकर लाल किले को पूरा ढक दिया गया है, यानी कि किले को किले में तब्दील कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज को जो जानकारी मिली है, जो इनपुट मिले हैं, उसके मुताबिक जो आतंकवादी हैं वो स्वतंत्रता दिवस के दिन हमला कर सकते हैं, और यही वजह है कि जो लाल किला है उसको एक अभेद किले के अंदर तब्दील कर दिया गया है। आपको वो दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेटिंग भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा चार लेयर यहाँ पर बनाई गई है। पहला ये सीमेंटेड ब्लॉक आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे आप, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फिर पीछे सीमेंटेड ब्लॉक लगाया गया है, और उसके पीछे कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसा कि 26 जनवरी को भी देखने को मिला था कि जो किसान थे और उनके बीच में जो उग्र किसान थे वो लाल किले के अंदर ट्रैक्टर लेकर घुस गए थे, और उसके बाद लाल किले के अंदर काफ़ी उत्पात मचाया था। उसके मद्देनज़र भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर लाल किले पर किए गए हैं। आपको बता दें कि जो एजेंसीज के पास इनपुट है वो ये भी इनपुट है कि ड्रोन से भी हमला हो सकता है, तो उसके लिए जो लाल किले के आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा। करीब 250 बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है जहाँ पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे, और कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर लाल किले की कर दी गई है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़ दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।